बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी बैक टू बैक कई फिल्मों में लगातार नजर आ रही हैं। फिल्म एनिमल में अपने छोटे से रोल से तृप्ति ने सभी के दिलों पर राज कर लिया है। फिल्म की रिलीज के बाद तृप्ति को नेशनल क्रश का भी खिताब सोशल मीडिया यूजर्स ने दे डाला था। एनिमल के बाद वह विक्की कौशल के साथ फिल्म बैड न्यूज में नजर आई थी। वहीं अब राजकुमार राव के साथ भी उनकी फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद वह कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ फिल्म भूल भुलैया 3 में भी नजर आएंगी। एक के बाद एक तृप्ति की इन फिल्मों से दर्शकों के बीच उनकी हाइप बढ़ती जा रही है। अब उनकी एक और फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के एक नए प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट सामने आ रही हैं। अब उनकी फिल्म में भूल भुलैया 3 स्टार माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आने वाली है। इस मूवी को सुरेश त्रिवेणी डायरेक्ट करने वाले हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी एक साथ फिल्म में नजर आ सकते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों माम बेटी के रोल में नजर आने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार माधुरी और तृप्ति की कास्टिंग को लगभग कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि फिल्म में लीड एक्टर कास्टिंग अभी भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट को मार्च से अप्रैल 2025 तक फ्लोर पर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।